दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने Xiaomi Redmi Poco स्मार्टफोन को कंप्लीट iOS 17 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन, आइकन, सिस्टम UI एंड जो भी अदर फीचर्स आपको iOS में देखने को मिलता है, सब कुछ आप अपने Xiaomi Redmi Poco डिवाइस में कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। कोई भी थर्ड पार्टी यहाँ पे एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है। कंप्लीट वीडियो को एंड तक वॉच करना, सब कुछ बताने वाला हूं। डायनेमिक आइलैंड से लेके बहुत ही अमेजिंग फीचर्स देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को आप पहले से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कैसे अपने स्मार्टफोन को iOS में कन्वर्ट कर सकते हो। आप देखो, मैं आपको बता दूं कि इन सभी फीचर्स को इनेबल करने के लिए आपको पासवर्ड टाइप करना पड़ेगा। कौन सा पासवर्ड है वो कंप्लीट वीडियो को आप एंड तक वॉच करना, सब कुछ बताने वाला हूं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देखो, मैंने ऑलरेडी कन्वर्ट कर रखा है एंड कैसे आपको कन्वर्ट करना है वीडियो में आपको आगे बता दूंगा। लॉक स्क्रीन की बात करते हैं, कुछ इस टाइप की आपको देखने को मिलेगी, आप यहां पे देख सकते हो। एंड आपको कुछ इस टाइप का यहां पे वॉलपेपर देखने को मिलेगा। आप देखो, आप यहां पे देख सकते हो कुछ इस टाइप की आपको विजिट देखने को मिलेगी। एंड बॉटम में आपको दो शॉर्टकट्स आइकन देखने को मिलता है। एंड किसी के पेपर भी आप डबल क्लिक करोगे, आपके सामने यहां पे वर्क करेगा, आप यहां पे देख सकते हो। उसके बाद अगर आपको वॉलपेपर को चेंज करना है तो आपको क्या करना है, यहां पे जो विजिट देखने को मिलती है सिंपल इसके ऊपर टैप करके रखना। टैप करने के बाद आप यहां पे देख सकते हो आपको कुछ इस टाइप के फीचर्स देखने को मिलेंगे। आप देखो, यहां पे सभी फीचर्स मैंने ऑफ कर रखे हैं। ऑफ करने के बाद पहले फर्स्ट नंबर के ऑप्शन की बात करते हैं, तो आपको लाइव कार्ड का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो यहां पर मैंने क्लिक किया। एंड उसके बाद आप यहां पर देख सकते हो कुछ इस टाइप के आपको शॉर्टकट्स देखने को मिल जाएंगे एंड बहुत ही अमेजिंग शॉर्टकट्स है। एंड यहां पे क्लिक करके इनको आप यूज कर लेना। उसके बाद वापस से क्लिक करना एंड इसको ऑफ कर देता हूं। उसके बाद आपको विजिट का ऑप्शन देखने को मिलता है, यहां पे क्लिक करना एंड कुछ इस टाइप के आपको विजिट देखने को मिलेगी। आप देखो, यहां पे आपको वॉलपेपर दो टाइप के देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिलता है लाइव वॉलपेपर का, तो यहां पे क्लिक करना एंड आपके सामने काफी सारे लाइव वॉलपेपर्स देखने को मिलेंगे। इनको आप यहां पे यूज कर सकते हो, आप यहां पे देख सकते हो। एंड न्यू आपको यहां पे एनिमेशन भी देखने को मिलेगा, आप यहां पे ऑन करोगे एंड कुछ इस टाइप का आपके सामने इफेक्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद वापस से क्लिक करना। उसके बाद यहां पे ऑल सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो यहां पे क्लिक करना। देन आपको यहां पे जो कैलेंडर देखने को मिलता है, इसकी फॉन्ट को आप यहां पे चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपको यहां पे सेकंड नंबर का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो यहां पे जो विजिट देखने को मिलती है इसकी फॉन्ट को आप यहां पे चेंज कर सकते हो। जो भी रखना है आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। उसके बाद आपको जो विजिट देखने को मिलती है इसको भी आप यहां पे कस्टमाइज कर सकते हो, आप यहां पे देख सकते हो। जो भी आपको रखना है अपने अकॉर्डिंग यहां पे चेंज कर लेना। उसके बाद आप देखो, नेक्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलता है ऑल इफेक्ट का, यहां पे मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आपको यहां पे क्या करना है, इस वाली विजिट को, ऑल सेटिंग वाली को ऑफ करना है एंड ऑल इफेक्ट को ऑन करना है। अब देखो, आपके सामने यहां पे काफी सारे इफेक्ट देखने को मिलेंगे। यहां पे मैं सभी को ऑन कर देता हूं। ऑन करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप की यहां पे लॉक स्क्रीन देखने को मिलेगी। उसके बाद आप यहां पे ट्राई कर लेना एंड काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स है। उसके बाद आप देखो, नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, तो इसको यहां पे ऑफ करता हूं। ऑफ करने के बाद इसको यहां पे ऑफ करता हूं एंड आपको यहां पे कुछ और भी वॉलपेपर्स देखने को मिलता है, तो इनको आप यहां पे यूज कर सकते हो। अब देखो, कुछ इस टाइप के आपको HyperOS में जो वॉलपेपर्स देखने को मिलता है यहां पे भी देखने को मिल जाता है। एंड विजिट का कलर आप चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो एंड इसको एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद यहां पे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है लाइव का, यहां पे क्लिक करना। एंड उसके बाद आपको यहां पे इमोजी वॉलपेपर भी देखने को मिलता है, तो इसको ट्राई कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिलता है इंसर्ट का, एंड इसको आप कैसे यूज करोगे आपको वीडियो में आगे बता दूंगा। फोल्डर वॉलपेपर भी देखने को मिलता है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो आई बटन में वीडियो मिल जाएगी, जाके वॉच कर सकते हो। अब देखो, बात करते हैं होम स्क्रीन की, तो होम स्क्रीन आपको कुछ इस टाइप की देखने को मिलेगी। यहाँ पे मैं पहला वॉलपेपर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूंगा एंड वॉलपेपर चेंज होने के बाद होम स्क्रीन में भी चेंज हो जाएगा। अब देखो, आपको डायनेमिक आइलैंड भी देखने को मिलेगा, तो डायनेमिक आइलैंड कैसे वर्क करेगा, आप यहाँ पे विजिट को ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद कोई भी यहाँ पे एक सॉन्ग प्ले कर लेना, तो यहाँ पे मैं कोई भी सॉन्ग प्ले कर लेता हूँ। अब देखो, मैंने यहाँ पे सॉन्ग प्ले किया। सॉन्ग प्ले करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना एंड जो भी आपको म्यूजिक चेंज करना है यहाँ पे कर सकते हो एंड कोई भी नोटिफिकेशन आएगी वो भी यहाँ पे शो करेगा। एंड आइकन्स की बात करते हैं तो कुछ इस टाइप के आपको देखने को मिलेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब देखो, ज़्यादातर आइकन्स आपको चेंज देखने को मिलेंगे, बट कुछ आइकन्स आपको हो सकता है चेंज देखने को ना मिले, बट कंप्लीट आइकन्स आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिलेंगे। अब देखो, वॉल्यूम बार की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको MI का लोगो देखने को मिलता है, आप यहाँ पे देख सकते हो एंड कंप्लीट यहां पे पैनल आपके सामने चेंज देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कंट्रोल UI के बारे में, तो आप डाउन करोगे आपके सामने कुछ इस टाइप का यहां पे देखने को मिलेगा, आप यहां पे देख सकते हो।
एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीट टॉगल्स भी आपको चेंज देखने को मिलेंगे। नोटिफिकेशन सेंटर की बात करते हैं तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा एंड आप यहाँ पे स्टेटस बार देख सकते हो कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। देखने में यार बहुत ही अमेजिंग है। आप देखो आगे बढ़ते हैं, सिस्टम यूआई की बात करते हैं तो आप ऑन करोगे आपके सामने ऐसे देखने को मिलेगी। प्योर आपको यहाँ पे iOS का लुक देखने को मिलेगा एंड कंप्लीट यहाँ पे आपको जो साइज देखने को मिलता है वो भी छोटा देखने को मिलेगा एंड कंप्लीट लेआउट चेंज हो जाती है, तो ट्राई कर सकते हो। अब देखो डायलर यूआई भी आपके सामने चेंज हो जाएगा बट MIUI डायलर होना चाहिए। आप देखो कंप्लीट फीचर्स को आप कैसे यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो, तो इन फीचर्स को इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, थीम स्टोर एप्लीकेशन ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको एक थीम डाउनलोड करना पड़ेगा। अब देखो मैं आपको बता दूं इस थीम को आप जल्दी से डाउनलोड कर लेना क्योंकि कॉपीराइट की वजह से रिमूव हो सकती है। अब यहाँ पे आपको ये वाली थीम देखने को मिलती है फोन XRBD V2 के नाम से देखने को मिलती है, आप यहाँ पे देख सकते हो एंड ये वाला नेम आप यहाँ पे देख सकते हो एंड यहाँ पे क्रिएटर का नेम देख सकते हो। अब देखो इस थीम को आप डाउनलोड कर लोगे उसके बाद अप्लाई कर देना, कुछ भी कस्टमाइज नहीं करना है। अब यहाँ पे आपको पासवर्ड टाइप करना पड़ेगा। आप देखो थीम को मैंने अप्लाई कर लिया, अप्लाई करने के बाद माय अकाउंट वाले ऑप्शन में जाना, ऑप्शन में जाने के बाद कस्टमाइज थीम का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना। लॉक स्टाइल का ऑप्शन देखने को मिलेगा तो यहाँ पे क्लिक करना। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है कस्टमाइज का, तो यहाँ पे क्लिक करना। आप देखो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एंटर पासवर्ड का, तो यहाँ पे क्लिक करना। जो भी लिंक है उसको कट कर देना, कट करने के बाद आपको यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में बांग्लादेश टाइप करना है क्योंकि ये बांग्लादेश की थीम है, तो आपको यहाँ पे ये वाला पासवर्ड टाइप करना है। उसके बाद एच के बाद आपको स्पेस क्रिएट नहीं करना है, कुछ इस टाइप से रखना है। उसके बाद ओके करना है। ओके करने के बाद कंप्लीट फीचर्स आपके सामने यहाँ पे इनेबल हो जाएंगे। जो भी मैंने आपको फीचर्स दिखाए वो उनको आप इंस्टॉल कर सकते हो। साथ ही कुछ और भी आपको फीचर्स देखने को मिलता है तो उनको आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग ट्राई करके देख लेना। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।